आज हम लेकर आए हैं यूपी की ट्रेडिशनल रेसिपी पानी वाला बरा, जिसे हम यूपी वाले होली, दिवाली, रक्षाबंधन पर तो बनाते ही हैं। साथ ही ये रेसिपी कंपल्सरी हो जाती है ड्यूरिंग पितृपक्ष, लड़का या लड़की के शादी के समय, बहू आने के बाद बहुभोज के समय और डेथ सेरेमनी में भी। नमस्कार दोस्तों, cookingexam.in पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए फिर बनाते हैं आज की जबरदस्त रेसिपी, साथ ही जानेंगे पानी वाले बरा और दही भल्ले में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। सो पहला जो डिफरेंस आता है वो दाल का आता है। जब हम दही भल्ले बनाते हैं तो इसमें हम आधे आध उड़द और मूंग दाल दोनों यूज करते हैं, वहीं जब हम ये ट्रेडिशनल बरा बनाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उड़द दाल को भिगाते हैं, और वो भी छिलके वाली उड़द दाल हो तो बहुत अच्छा। लेकिन हमारे पास ये बिना छिलके वाली उड़द दाल है, सो हम इसे ही भिगा लेते हैं। इसे हमें 7 से 8 घंटे के लिए भिगा लेना है इस तरीके से, चाहे तो आप रात भर के लिए छोड़ दें। और उसके बाद इसे हमें अच्छे से धुल लेना है कम से कम 4 से 5 पानी से। और ये जो दाल का पानी है ना, इसे हमें गलती से भी नाली में नहीं डालना है, ये हमारे पौधों के लिए बहुत अच्छे होते हैं। सो इसे हमें कलेक्ट करना है और पौधों तक पहुंचा देना है, चाहे वो छत पर हो चाहे बाहर। और दूसरा मेजर डिफरेंस आता है दाल को पीसने के दौरान। जब हम दही भल्ले वाले दाल को पीसते हैं तो हम पानी डाल डालकर फ्लफी और स्मूथ बैटर बनाते हैं, और फिर एक ही डायरेक्शन में मिक्स करते हुए इस बैटर में हवा भरकर हल्का बनाया जाता है। वहीं जब हम बरे के लिए दाल पीसते हैं तो हम इसमें कम से कम या ना के बराबर पानी का यूज करते हैं, जिससे इनका बैटर थोड़ा हार्ड बनता है। बहुत ज्यादा मिक्स करने या फिर हल्का करने का झंझट इसमें नहीं होता, और बेस्ट होगा यदि हम बरे वाले दाल को सिलबट्टे में पीसेंगे। अभी मेरे हाथों में चोट है इसलिए हम मिक्सर में ही पीस लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस दाल को हमें छोटे छोटे बैचेज में पीसने हैं अगर हम मिक्सर में पीस रहे हैं तो, क्योंकि यहाँ पर हम पानी कम डालने वाले, और बिना पानी के अगर आपने भर दिया तो पीसने में बहुत परेशानी होगी। इसीलिए हमें कोशिश करना है कि पीसते समय थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ही लेकर पीसनी है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हार्ड हो रहा है हमारा डो, तो हल्का सा 1/2 चम्मच हम चाहे तो पानी डाल सकते हैं अगर बहुत परेशानी हो रही है तो, और अगर काम चल रहा है तो इस तरीके से थोड़ा सा घुमा फिरा कर मिक्स करते हुए हमें अपने बैटर को तैयार कर लेना है कुछ इस तरीके से, और थोड़े थोड़े बैचेज में से हम इसी तरीके से पीस लेंगे। लेकिन दाल को पीसते समय हम दोनों ही रेसिपीज में धनिया पाउडर, जीरा, थोड़ी हरी मिर्च और लहसुन जरूर से डालेंगे। साथ ही दाल को पीसने के बाद कम से कम 1 घंटे का रेस्ट हम जरूर से देंगे, चाहे वो बरे वाली दाल हो या फिर दही भल्ले की दाल। जैसा कि मैंने आपको वीडियो में दिखाया, मैंने ऐड किया है मिर्च, लहसुन और जीरा जरूर से डालना है, और धनिया पाउडर। और यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने अपना बैटर रेडी कर लिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स कर देते हैं जिससे कि ये जल्दी से थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। हाथ लगाना बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको हाथ से मिलाया हुआ है, मिक्स किया हुआ है। और अब इसे हम रख देते हैं 1 घंटे के लिए कम से कम। अगर ज्यादा रख दिया तो बल्ले बल्ले, लेकिन कम से कम 1 घंटे के लिए हमें रखना है। और अब बात करते हैं तीसरे डिफरेंस के बारे में, जो कि रिलेटेड है फ्राई करने से। जनरली दही भल्ले को हम तलने के लिए रिफाइंड यूज कर सकते हैं, वहीं इस पानी वाले बरे को फ्राई करने के लिए हम शुद्ध सरसों का तेल यूज करते हैं, जिससे इस बरे का टेस्ट थोड़ा देसी फ्लेवर का हो जाता है और यूपी के टेस्ट में आ जाता है। और ये जो चौथा अंतर है, ये अंतर है आकार का, शेप का। दही भल्ले की दाल काफी फ्लफी और गीली होती है, जिससे इसे हम गोल मटोल शेप आसानी से दे सकते हैं। वहीं बरे वाली दाल थोड़ी कम गीली होती है, जिससे इन्हें हम दोनों हाथों को यूज करके रोटी की तरह चपटी और गोल गोल कचौड़ी के साइज में पोते हैं, और वो भी हल्के से पानी के हेल्प से। यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैंने यहाँ पर कटोरी में पानी लिया है, क्योंकि हमें बीच बीच में हल्का हल्का पानी अपने फिंगर्स में टच करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से हम पानी की हेल्प से देते हैं अपने बरे को। देखिए, इजीली बन जाता है, बिल्कुल भी हाथ पे चिपक नहीं रहा। ये कमाल है सिर्फ और सिर्फ पानी का, ना घी ना तेल। और यहाँ पर जैसे आप पूरी तलते हैं ना, उतना ही इनफ हमारा जो ऑयल है वो गर्म होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं और बहुत कम नहीं। इसे हमें पकने देना है थोड़ी देर के लिए।
यहाँ पर देखिए मैंने पहले वाले में होल नहीं बनाया, दूसरे वाले में होल बना दिया है, क्योंकि इससे रिलेटेड मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन है जो कि हम आपसे बाद में डिस्कस करते हैं। पहले इसको हम फटाफट से बना लेते हैं। और पांचवा, इस दही भल्ले को फाइनल टच देने के लिए हमें चाहिए होता है दही, चीनी, जीरा पाउडर, काला नमक, धनिया पत्ती एंड कुछ स्पेशल मसाले जो हमारे दही भल्ले और पेट दोनों को चटपटा और टेस्टी बनाते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं इस पानी वाले बड़े की, तो ये बिल्कुल संतुष्ट आत्मा है, एक सच्चे साधु की तरह। ज्यादा कुछ नहीं, इन्हें नहाने के लिए चाहिए हल्दी, हींग, सादा नमक और पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने एक बड़ा सा बोल लिया है, इसमें हम लेंगे ढेर सारा पानी, जितना जरूरत हो हमारे बड़े के हिसाब से। और इस तरीके से इसको हमको बीच बीच में टर्न भी कर लेना है। और इस पानी में अब हम डाल देते हैं हल्दी। हल्दी की क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा रखेंगे, नमक की भी क्वांटिटी थोड़ा ज्यादा ही रहेगी, क्योंकि पानी से ये नमक ट्रांसफर होगा कहाँ, हमारे बड़े के अंदर। तो यहाँ पे हम बारी बारी से सबको फ्राई करेंगे और इस तरीके से इसको निकाल लेते हैं। और इस तरीके से इसको हम पलटते रहेंगे बीच बीच में। और हींग, यहाँ पर हींग डालना बहुत जरूरी है। इन तीनों चीजों को मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अब इससे ज्यादा यहाँ पर किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, बस आप इसे गर्मा गर्म फ्राई करिए और डायरेक्टली पानी में ऐड कर दीजिए, क्योंकि ये इस स्टेज पे काफी क्रंची होता है। तो आप इसे चाहे तो गर्मा गर्म नमक के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसे चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, स्पेशली मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब मम्मी बनाती थी तो हम लोग बहुत खाते थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमें गर्मा गर्म विदाउट एनी डिले या हमें पानी में ऐड कर देना है। और इस तरीके से ऊपर नीचे में जरूर करते रहना बीच बीच में। जो नए बैचेस जाएंगे वो नीचे और जो पुराने बैचेस होंगे वो ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिर से इसे हमें स्टर करना है, उसे नीचे पहुंचाना है और ये इस तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। ये जो साइज है इसकी, ये मैंने बहुत छोटे छोटे साइज में बनाए हैं। एक्चुअली में इनका साइज पूड़ी जैसा होता है, ट्रेडिशनली ये जस्ट डबल साइज के बनते हैं। ये तो मैंने छोटे छोटे बना रखे हैं। और इस हल्दी वाले पानी में 3 से 4 घंटे नहाने के बाद ये बड़े सॉफ्ट हो जाते हैं, नमकीन हो जाते हैं, हींग और हल्दी का अच्छा सा फ्लेवर आने लगता है। सो 3 से 4 घंटे के लिए विदाउट एनी डिस्टर्बेंस इस बड़े को हल्दी और नमक वाले पानी में जरूर से छोड़ना है। इन दोनों ही रेसिपीज के बारे में जितना भी बोला जाए वो कम है, क्योंकि ये दोनों ही रेसिपीज अपने अपने जगह पर बहुत ही हेल्दी और स्वादिष्ट होते हैं। और अगर बात करें इनके सर्विंग की, तो दही भल्ले एज अ स्वीट खाने के बाद सर्व किए जाते हैं। वहीं ट्रेडिशनली ये बड़े दाल चावल, कढ़ी चावल और कद्दू की सब्जी के साथ सर्व किए जाते हैं। और इनको हमेशा इस तरह से आधा तोड़ कर सर्व किया जाता है, क्योंकि ये सिंपल मसालों से बनते हैं। तो जब आप इन्हें खाना शुरू करेंगे ना, तो बंद करना भूल जाएंगे, क्योंकि पेट भरेगा, बंद नहीं। लेकिन इसे हमें तोड़कर ही सर्व करना क्यों जरूरी है, ये मुझे आज तक क्लियर नहीं हुआ। और ऐसी ही हेल्दी एंड कल्चरल रेसिपीज के लिए सब्सक्राइब आवर चैनल cookingexam.in। थैंक यू।